नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में रोजगार का देने का दावा करने वाली सरकार, और आपको बताएं कि रोजगार को लेकर जो है वो अब पहल शुरू हो गई है। हम शुरू से बात करते हैं कि बिहार में रोजगार जो सबसे प्राथमिकता यहाँ की युवाओं की पुलिस की नौकरी। आपको बता दें कि आज समाचार पत्रों में ये खबर काफ़ी प्रमुखता से दिया गया है कि अगले साल यानी कि 2023 में 75,000 पुलिसकर्मियों की बहाली हुई है। इससे संबंधित खबरें दी गई हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में होगी 70,000 बहाली। ये सभी समाचार पत्रों में आज काफ़ी मजबूती से खबर को दिया गया है, प्रमुखता से दिया गया है। सुरक्षा के साथ रोजगार भी, अगले साल होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय से मंजूर, यानी कि 75,000 की बहाली को लेकर जो है वो मंजूरी पुलिस मुख्यालय के द्वारा दे दिया गया है। आपको बता दें कि 35,000 इसमें सिपाही के पद हैं, 23,000 दरोगा के पद हैं। 23,000 दरोगा में आधा पद जो है वो प्रमोशन के थ्रू, जैसे कि हवलदार ASI प्रमोट करके बनेंगे, और बाकी आधा जो है यानी कि 12,500 जो है वो सीधी नियुक्ति के द्वारा, यानी कि अगले साल बड़ी मात्रा में बिहार में पुलिस की बहाली होगी। जो सूचनाएं निकल के आ रही हैं वो आपको हम बता दें। सूचना के मुताबिक है कि अगले साल 2023 में पुलिस महकमे में 75,000 पदों पर बहाली होगी। सिपाही से लेकर दरोगा और विभिन्न संवर्गों की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक हुई। इनमें 75,000 पदों को सृजित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की बहाली के बाद ट्रेनिंग सेंटर, रहने की व्यवस्था, अन्य आधारभूत संरचना संसाधन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रत्येक जिला में भू संपदा कोषांग का गठन किया जाएगा। DGP SK सिंघल ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। DGP SK सिंघल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवश्यक आधारभूत निर्माण कार्य, भविष्य में पुलिस बलों की संख्या में वृद्धि होने पर उनके आवासन के लिए भवनों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता, तथा पूर्व में पुलिस विभाग के पास उपलब्ध भू संपदा के संरक्षण के लिए सुझाव दिए गए हैं। महिला कर्मियों की सुविधा के लिए शौचालय की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने जिले में SP को भू संपदा कोषांग गठन करने का सुझाव दिया है, और पुलिस मुख्यालय का आधुनिकीकरण प्रभाग इसकी नियमित निगरानी करेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को गांधी मैदान से एक साथ 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही पुलिस में आने वाले दिनों में करीब 1,00,000 पदों पर बहाली की नींव रख दी थी। करीब 12 करोड़ की आबादी वाले राज्य के लिए प्रति 1,00,000 आबादी पर 170 पुलिसकर्मी की मानक की घोषणा की थी। इस मानक को पूरा करने के लिए बिहार पुलिस में 2,04,000 पुलिसकर्मियों की जरूरत है, और वर्तमान में करीब 1,08,000 पुलिसकर्मी ही कार्यरत हैं। तो 1,00,000 के आसपास 75,000 के लिए तो मंजूरी दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमने भी पहले प्रश्न उठाया था कि कैसे इतनी बड़ी बहाली की एक साथ हो सकती है, जब ट्रेनिंग की, रहने की, आवासन की, सभी चीज़ की जरूरतें होती हैं, तो उसको लेकर भी पुलिस मुख्यालय सजग हो गया है कि इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों की, दरोगा की भर्ती होगी तो उनके ट्रेनिंग के लिए कहाँ कहाँ व्यवस्था होगा, रहने का व्यवस्था, फिर से उनकी पोस्टिंग होती है तो थानों में रहने की व्यवस्था, महिला पुलिसकर्मियों की बहाली बड़ी संख्या में हो रही है तो उनको जो उनकी समस्याएं होती हैं महिलाओं के साथ, उस सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जिला में भू संपदा कोषांग जो है पुलिस से संबंधित, उसको SP का प्रभारी बनाया गया, SP का निर्माण काम करेगा, और ये जो है भवन और उनकी ट्रेनिंग सेंटरों के लिए जमीन का खरीद भी करेंगे, टेंडर प्रक्रिया वो भी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बिहार में आने वाले साल में पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी लंबा चौड़ा बहाली होना है, और इसके लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वो अब कमर कस लें। जनवरी के शुरुआत में ही 6,500 बिहार पुलिस के लिए बहाली आने वाली है, और होली तक ये संभावना है कि बिहार में एक दरोगा का बहाली आएगा जो कि काफ़ी लंबे चौड़े मात्रा में होगा। यानी कि अभी तक जो हम देख रहे थे 2,000 से 2,500 के बीच में होता था, हो सकता है कि 4,000 प्लस दरोगा की बहाली 2023 में फरवरी मार्च तक आए।
ऐसा संभावना दिख रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी इससे संबंधित खबर आया था जिसमें कहा गया था कि 65,000 के आसपास बहाली होगी, लेकिन कल इस पर पुलिस हेडक्वार्टर ने मोहर लगा दिया। हाँ, 2023 में बिहार में 75,000 के आसपास विभिन्न संवर्गों में पुलिस की बहाली होनी है और इसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कर रहे हैं, काम शुरू हो गया है। तो ज़रूरत है जो भी कैंडिडेट्स, जो भी छात्र पुलिस की सेवा में जाना चाहते हैं, वो भी अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें। दरोगा बनना है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई, फिजिकल जो उसका मानदंड है उस पर ध्यान दें, उसके लिए प्रैक्टिस भी कर दें। जो सिपाही बनना है जिनको, वो भी इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आने वाला साल बिहार पुलिस में नौकरी लेने का एक बहुत ही सुनहरा वर्ष होने वाला है। तो कैंडिडेट्स, आप अभी से ही सजग हो जाएं और 2023 के परीक्षा के लिए अपनी तैयारी, अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी अपडेट आएगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना आप तक पहुँचाते हैं। हर एक सूचना आपको मिलती रहेगी, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।